का राज, किसका ताज, फैसला आज। सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा दंगल, नया हुक्मरान कौन होगा, फैसला अवाम का, मुस्तकबिल पाकिस्तान का। मुल्क सवारने का अज्म लेकर 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, तो पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाएं, अपनी किस्मत खुद बनाएं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल, पोलिंग सामान की तरसील हो चुकी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन, 18,437 इंतहाई हसास। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च, पुलिस एहलकारों की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती। आम इंतखाबात की निगरानी और नतीजे की तैयारी, इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया, रिटर्निंग अफसरान ईएमएस में लॉग इन, नतीजे इलेक्शन सिटी में मौसूल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट बंद हो या चले, ईएमएस को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आफत या मुश्किल दरपेश ना हुई तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात 2 बजे तक तमाम हल्कों के नतीजे का ऐलान कर देंगे। इंतखाबी नतायज में किसी भी गलती से बचें, इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फॉर्म 45 की तैयारी में मुकम्मल एहतियात की हिदायत। ईसीपी के मुताबिक चस्पा किए जाने के बाद फॉर्म 45 में तब्दीली का जिम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होगा। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, ऐसा न हुआ तो फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मिली तो फौरी तौर पर एक और आईएमएफ प्रोग्राम में जाना होगा। शहबाज शरीफ का सादा अक्सरियत न मिलने पर वजीर आजम मुशावरत से लाने का बयान धोखा है। क्या नवाज शरीफ को सामने रखकर बाद में किसी और को लाएंगे? बिलावल भुट्टो का सवाल, बोले हम अभी से आजाद उम्मीदवारों से राबिते में हैं। इंतखाबी दौड़ का इंतजार, बड़े बड़े शहसवार, पूरी कौम बेकरार। NA 130 लाहौर में मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में जोर का जोड़, NA 133 पर शहबाज शरीफ और अफजाल अजीब का टाकरा, NA 119 में मरियम नवाज और इफ्तखार शाहिद मुकाबल, अब्दुल अलीम खान NA 117 में आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर से टकराएंगे, बिलावल भुट्टो 3 हल्कों से उम्मीदवार, NA 127 में आता तारड़ का चैलेंज दरपेश, NA 194 लाड़काना में JUI के राशिद महमूद सुमरो और NA 196 में नासिर महमूद सुमरो से मुकाबला, आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से उम्मीदवार, मुकाबला आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिंद से होगा। जहांगीर तरीन का NA 155 लोधरा में सिद्दीक बलोच और NA 149 मुल्तान में आमिर ढोकर से टकरा, मौलाना फजल रहमान NA 44 डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर से टकराएंगे, NA 6 लोअर दीर में सिराजुल हक का मुकाबला PP उम्मीदवार हनीफ खान से होगा, गौहर खान का NA 10 बुनेर में रऊफ खान से मुकाबला, खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 कराची में अरसलान खालिद से पंजा आजमाई करेंगे। कौमी असेंबली की 265 नशिस्तें, 5,254 उम्मीदवार, कौन जीतेगा सबको इंतजार। पंजाब असेंबली की 297 सीटों पर 6,710 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, सिंध की नशिस्तें 130, 2,878 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 नशिस्तों पर 1,834 उम्मीदवार आमने सामने, बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों पर 1,273 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। भर में 12,85,85,760 वोटर्स, मर्दों की तादाद 6,92,00,000 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,00,000 है। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स पंजाब में 7,32,00,000 से जायद, सिंध में 2,69,00,000 से जायद शहरी वोट डालेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में 2,19,00,000 और बलोचिस्तान में 53,71,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। घंटे रह गए हैं, आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कर पाएंगे। धूप में
में छांव में शहर में गांव में डोर टू डोर समा का जोर वोटर्स की चाल मोरों का हाल और गिनती का अहवाल कौन आगे कौन पीछे कराची तक खैबर लाहौर तक ग्वादर आम इंतखाबात से जुड़ी हर खबर सिर्फ समा पर सबसे बड़े इंतखाबी दंगल की मैराथन ट्रांसमिशन मुल्क भर में रिपोर्टर्स का चाल इलेक्शन की तैयारियों से वोटिंग तक गिनती से नताइज तक इलेक्शन की कहानी समा की जबानी बलोचिस्तान में दहशत गर्दी दो धमाकों में 29 अफराद जा बहक पहला धमाका पिशीन में आजाद उम्मीदवार इस्फंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में हुआ दूसरा धमाका किला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर के करीब हुआ जनूबी वजीरिस्तान में भी साबिक MPA नसीर अल्लाह वजीर की गाड़ी के करीब धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फोन सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत इलेक्शन हर सूरत होंगे पंजाब हुकूमत का पैगाम बलोचिस्तान में 3 रोजा सोक का ऐलान इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान का बड़ा फैसला आज अफगानिस्तान और ईरान के साथ तमाम बॉर्डर्स बंद रखेंगे तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 9 फरवरी को मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो जाएंगी कराची के गुलशन इकबाल हाजी लिमू गोट में दस्ती बम का धमाका खातून समेत 3 अफराद जां बहक 3 बच्चे जख्मी पुलिस सब इंस्पेक्टर का 17 साल बेटा बम हाथ में लिए घूम रहा था बच्चों के शोर मचाने पर छुपाने की कोशिश की तो पिन निकल गई खुद भी मारा गया धमाके की CCTV वीडियो समा ने हासिल कर ली और अपने लिए कौम के लिए निकले और वोट दें वोट हक भी है और ताकत भी जिसे बेहतर समझते हैं उसका इंतखाब करें कौमी खिलाड़ियों का अवाम को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा और अपने लिए कौम के लिए निकले और वोट दें वोट हक भी है और ताकत भी जिसे बेहतर समझते हैं उसका इंतखाब करें कौमी खिलाड़ियों का अवाम को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा